हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी आधार कार्ड से अंगूठा लगाकर पैसा निकालना चाहते हैं किसी भी कस्टमर का, या फिर दोस्तों आप अपने परिवार फैमिली में किसी व्यक्ति का, और दोस्तों उससे आप महीने का 30 से 25 हज़ार रुपये आप आसानी से कमा सकते हैं घर बैठे बैठाए, वह किस प्रकार से आप कमा सकते हैं और किस प्रकार से आप आधार कार्ड से अंगूठा निकाल कर किसी भी व्यक्ति का पैसा निकाल कर उस व्यक्ति को ये सर्विस दे सकते हैं। उसके बदले में दोस्तों आपको कमीशन भी मिलती है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर और बहुत सारी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपको एपीएस से पैसा निकालना, मनी ट्रांसफर करना, कैश डिपॉजिट करना, माइक्रो एटीएम की सुविधा, सीएसपी कैनस बैंकिंग की सुविधा, पे लोन ईएमआई की सुविधा, आधार कार्ड पे की सुविधा एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे सर्विसेज आपको मिलते हैं। तो आप किस प्रकार से आप आधार कार्ड से पैसा अंगूठा लगाकर निकाल सकते हैं, और उसके लिए दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस पर आपको अपना आईडी पासवर्ड भी जनरेट करना होगा। आपको सारी वीडियो में इसी वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो उसके लिए दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर दोस्तों आप अपने ब्राउज़र में भी टाइप कर सकते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा। तो जैसे ही आप डिजिटल ग्रामीण सेवा चूज करते हैं यानी कि सेलेक्ट करते हैं, तो आपको इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि बी टू सर्विस, जी टू सी सर्विस, रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स फिलिंग, ये बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर और सारी डिटेल दी गई है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी जो भी शॉप है उसका नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप अपना ओके सेंटर इंडिया सेंटर, या फिर दोस्तों ऑनलाइन पॉइंट सेंटर, इस तरीके से आप अपनी शॉप का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना नाम डालना होगा जो भी आपके आधार कार्ड में आपका नाम होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक मोबाइल नंबर है वो भी दोस्तों आपको इसमें फिल करना होगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है एक्टिवेट है आपके मोबाइल फ़ोन में। इसके बाद दोस्तों आपको एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को भी फिल करना होगा। स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका स्टेट है, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, बिहार, झारखंड, जो भी आपका है। उसके बाद आपको अपनी सिटी का नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा, जो भी आपकी सिटी है। साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा, एंड दोस्तों उसके साथ साथ आपको अपना पैन कार्ड नंबर भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ये सारी डिटेल जब आप फिल कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर दिया गया है शॉप का एड्रेस, जो भी आपका शॉप का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है जोनल हेड, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रिटेलर वाले ऑप्शन पर ही क्लिक रहने देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं तो आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपकी डिटेल जो है डिजिटल ग्रामीण सेवा के पोर्टल पर रजिस्टर हो जाती है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको 10 से 12 घंटे के बाद आपको मेल, यानी जो भी आपने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को फिल किया है उस मेल के माध्यम से आपका एक जो भी पासवर्ड और आईडी जनरेट कर दिया जाता है। अगर दोस्तों आपका आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं हो पाता 10 से 12 घंटे के बाद, तो दोस्तों आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, इनसे आप अपनी सहायता सपोर्ट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर करना, जब आप इससे सबमिट कर देंगे तो आपकी आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इस नंबर पर भी कॉल करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, जो भी दोस्तों आपका आईडी पासवर्ड का जो भी चार्ज है वो वगैरह आपको यहाँ पर बता देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे ही आपका आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाता है तो आपको यहाँ पर बैक आना होगा। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होगा, लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको वही आईडी और पासवर्ड डालना होगा। आईडी पासवर्ड डालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है आपका रजिस्टर यूजर नेम। यूजर नेम में आपको वही आईडी पासवर्ड डालना है, यानी कि आईडी यानी यूजर नेम और पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको इस कैप्चा को फिल करने के बाद आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर सारी डिटेल को इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेता हूँ और यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो जब दोस्तों आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाता है। आपको यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज वगैरह, रिपोर्ट वगैरह, सेटिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो नीचे आएंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है बैंकिंग सर्विसेज का, तो आपको बैंकिंग सर्विसेज में आ जाना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये AEPS ICICI बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आधार इनवैलिड पेमेंट सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने AEPS की जो मुख्य वेबसाइट है उस पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा AEPS ICICI। तो यहाँ पर फोटो स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप आधार पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कैश विड्रॉल वगैरह, बैलेंस इंक्वायरी, आधार पे, मिनी स्टेटमेंट, रिपोर्ट्स वगैरह, ये सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बैलेंस इंक्वायरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अगर आपको अपने आधार कार्ड से अपना पेमेंट ऑनलाइन चेक करना है अपने बैंक बैलेंस का, तो दोस्तों आपको बैलेंस इंक्वायरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इसमें फिल कर देना है, और इसमें दोस्तों अपनी सबसे पहले जो बैंक है आपकी
उसका दोस्तों बैंक का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, और आपको इसमें इस वाले बॉक्स में अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है। फिर नीचे आएंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर मंत्रा या फिर मारपू की डिवाइस चूज कर लेना है और कैप्चर फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है। तो मैं ये सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ और आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि आपका जो आधार कार्ड से बैंक बैलेंस है किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर ली, अपना मोबाइल नंबर आधार नंबर फिल कर लिया और बैंक यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों मैंने डिवाइस भी चूज़ कर लिया। मैं दोस्तों यहाँ पर कैप्चर फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैं इस कैप्चर फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही दोस्तों मेरी जो डिवाइस है वो दोस्तों यहाँ पर जल जाएगी। उसके बाद मैं अपना फिंगर रख देता हूँ। तो कैप्चर फिंगर पर मैंने क्लिक कर दिया, दोस्तों मेरी जो डिवाइस वो जल चुकी है और दोस्तों मैंने अपना जो फिंगरप्रिंट है उस पर लगा दिया है। तो देख सकिए दोस्तों यहाँ पर कैप्चर सक्सेस लिखकर आ रहा है और यहाँ पर दोस्तों लिखकर आ रहा है बायोमेट्रिक कैप्चर सक्सेसफुली। अब मैं दोस्तों टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको, यार सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। थोड़ी देर यहाँ पर दोस्तों इस तरह से वेटिंग लेता है। ऊपर देखिए दोस्तों सर्चिंग हो रहा है। सर्चिंग होने के बाद आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाए। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बैलेंस इंक्वायरी मेरी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों लिखकर आ रहा है बैलेंस इंक्वायरी। यहाँ पर एजेंट आईडी में दोस्तों आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। ट्रांजैक्शन आईडी दोस्तों आपको यहां पर मिल जाएगी और आपके आधार के लास्ट के 4 डिजिट यहां पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप नीचे लिखा होगा बैलेंस इंक्वायरी, RIN, SSN, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह सारे नंबर यहां पर लिखे होंगे, ट्रांजैक्शन डेट लिखी होगी। और दोस्तों हम जैसे ये जो पट्टी दिख रही है इसे आप नीचे करेंगे। नीचे जैसे दोस्तों इस पट्टी को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, करते ही दोस्तों आपका जो बैलेंस है वो दोस्तों यहाँ पर कस्टमर अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर लिखकर आ जाएगा और स्टेटस उसका दोस्तों सक्सेस लिखकर आएगा। दोस्तों मैंने ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से दोस्तों यहाँ पर इसे हाइड कर रखा है, इसलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं देता क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कस्टमर अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर लिखकर आ रहा है और दोस्तों जो सक्सेस है उसकी जो स्टेटस है वो यहाँ पर लिखकर आ रहा है। तो ऐसे इसी तरह से दोस्तों आप अपना जो मोबाइल से दोस्तों या फिर दोस्तों अपने लैपटॉप से अपने आधार नंबर डालकर दोस्तों अपना जो बैंक बैलेंस है दोस्तों यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें दोस्तों आपको गुमराह किया गया, आपको बताया नहीं है लाइव प्रूफ कि आपको किस प्रकार से अपना जो बैंक बैलेंस है चेक करना है। मेरी इस वीडियो में दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई भी इसमें दोस्तों आपको गुमराह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें दोस्तों मैंने आपको 110% आपको यहाँ पर रियल बताया है, आप इसी प्रकार से अपना जो है बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इसमें आईडी अगर लेनी है, जनरेट करनी है आईडी पासवर्ड, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी जरूर सहायता करेंगे। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पास में दिए गए घंटी के निशान को जरूर दबाएं जिससे आने वाले नोटिफिकेशन और नई जानकारी आप तक तुरंत पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।